नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशकों के महामार्च का मानदेय का इंतजार जो है वो सभी को हो रहा था, क्योंकि अप्रैल की ऑलरेडी आज 8 तारीख हो चुकी है, तो आपका ये इंतजार जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि आज की डेट में जो है अंशकालिक अनुदेशकों के महामार्च के मानदेय की जो धनराशि है उसको जारी कर दिया गया है, और इसका आदेश जो है वो आपकी स्क्रीन पे ही है, आप सभी लोग देख सकते हैं, और मैं इसको पढ़ के भी बता देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, विषय जो है वो अंशकालिक अनुदेशक मानदेय महामार्च 2024 की धनराशि प्रेषण के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयांक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या इतने दिनांक 1 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंशकालिक अनुदेशक मानदेय माह फरवरी 2024 की धनराशि की लिमिट निर्धारित की गई है। उक्त के क्रम में अंशकालिक अनुदेशक मानदेय माह मार्च 2024 की धनराशि जो कि कुल 22,70,07,000 रुपए होती है, उसको अवमुक्त किया जा चुका है, और तदनुसार PFMS प्रणाली के माध्यम से जो है वो सभी के खातों में इसको पहुंचा दिया जाए। तो नीचे आप देख सकते हैं राज्य परियोजना निदेशक के साइन करे हुए हैं, और ये आदेश जो है वो आज की डेट में यानी कि 8/4/2024 की डेट में जारी हुआ है। इसका मतलब धनराशि जारी हो चुकी है, और ये धनराशि जारी होने के करीबन एक हफ्ते के अंदर ही आपका मानदेय जो है वो आप सभी के खातों में भी पहुंच जाएगा, यानी कि ज्यादा में ज्यादा 15 अप्रैल के आसपास में आप सभी के खातों में मार्च का जो मानदेय है वो आ जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं अनुदेशकों को थोड़ी बहुत राहत अवश्य मिलेगी। फिलहाल ये जो खबर थी वो अनुदेशक मानदेय के अपडेट से संबंधित थी। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।